हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स बेसिक का फर्स्ट सैम्पल पेपर जो कि अरिहंत की बुक से लिया गया है। बेटा इसमें इस क्वेश्चन पेपर में आपको पांच सेक्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी एंड ई, जिसमें से सेक्शन ए जिसमें कि 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसके पांच क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक बार देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज, तो किसी भी इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, जीरो। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है अ डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन फोर इज, तो ग्रेटर देन फोर, एक डाई में कितने नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो ग्रेटर देन फोर कितने नंबर है बेटा, दो नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर गेटिंग ग्रेटर देन 6 विल बी इक्वल टू 2/6, दैट इज इक्वल टू 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/(1+tan²θ) की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, 1+tan²θ क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर थीटा होता है। और 1/sec²θ क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फॉर्म बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 3.5 सेंटीमीटर इज, तो कभी भी अगर आपको जैसे लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर और रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो कभी भी ऐसे कंडीशन में एरिया निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा 1/2 एल इंटू आर। तो एल की वैल्यू क्या है, 3.5 और आर की 5, काटेंगे 1.75। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट देखो, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज अ सिलेंडर, इफ अ सिलेंडर कवर्ड बाय टू हेमिस्फेरिकल लिड ऑफ इक्वल शेप, तो दो, एक सिलेंडर है दो हेमिस्फेरिकल लिड से कवर है, दोनों की शेप कैसी है, इक्वल है, मतलब दोनों की रेडियस भी क्या है, इक्वल है। अच्छा, ये हाइट है, तो कभी भी ऐसी कंडीशन में निकालना होता है तो तीनों फिगर, ठीक है, इसमें तीन फिगर है, दो ऊपर हेमिस्फेरिकल बॉल लग रही हुई है, ठीक है, और नीचे क्या है, बीच में आपका सिलेंडर है, तो तीनों का सीए से निकाल देते हैं। तो सीए से और सिलेंडर क्या होता है बेटा, 2πRh, हेमिस्फेयर का क्या होता है 2πR² और एक और हेमिस्फेयर का क्या हो जाएगा 2πR², तो द रिक्वायर्ड एरिया वुड बी 2πRh प्लस 4πR², दैट इज ऑप्शन सी। तो एक बार इन सारे क्वेश्चनों को दोबारा से देख लेना, इनमें कोई भी डाउट आता है तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।